बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, और आप जो इसकी इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं। आइए सभी भाइयों से निवेदन है कि एक गीत सुनिएगा, बिल्कुल साधारण सी तर्ज है, और ज्योति जी गीत भी बिल्कुल साधारण सा है, बिल्कुल बटे बिल्कुल हल्का। क्योंकि जब मैं खुद साधारण हूँ तो गीत और धुन क्या असाधारण चुनूंगी, लेकिन प्रयास है, सुनिएगा। इनाम बोलो भाई साहब। और ये सम्मानीय बड़े भैया, भैया श्री ओमकार बवेली जी, ये कौन गाओ श्यावन, आपके माध्यम से एक से एक पद मुद्राएं भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक से एक पद मुद्राएं हमारे सम्मानीय बड़े भैया, भैया श्री सुशील पटेरिया जी तितनी महोत्सव, आपके माध्यम से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक से एक पत्र मुद्राओं के साथ एक सुंदर सा हार जो मेरे जीवन का अमूल्य आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से आशीर्वाद से हम और आप एक साथ हैं। अगर ये कृपा ये आशीर्वाद ना होता तो आप नहीं जानते कि ये नीलम विश्वकर्मा कौन है, ना बड़े भैया मैं आपको जानती। ये आशीर्वाद अनंत मिलता रहे ऐसी कामना है बागेश्वर धाम महाराज से। अवगुण मुझ में बहुत हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कृपा से प्रभु की ये अवगुण छुप जाएं, सद्गुण उभर आएं इसके जगह पे। आइए सुनिए। कि जब वो मिले मुझे पहली बार, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गया है मुझे प्यार, पल भर पास न बैठे वो, पल भर पास न बैठे वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए, कि उनसे मिली नजर मेरे होश उड़ गए, तिवारी जी। अच्छा कमलेश तिवारी जी, अच्छा अच्छा क्या बात है, राम लक्ष्मण बड़े भैया, भैया श्री रमेश तिवारी जी, सुनील तिवारी जी, आपके माध्यम से एक पद मुद्राएं भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है। और बड़े भैया ये सच मानिए, जब अपने लोग बैठे होते हैं तो सुनने और सुनाने में बड़ा आनंद आता है, हालांकि ये मैंने पहले बताया मुझे कुछ आता नहीं है। प्रसंग सुनिएगा, एक बार हुआ क्या, ज्योति जी मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, वो जब तपस्या की प्रभु प्रकट हो गए, तो प्रभु का वो रूप देखा तो इतना सुहावना रूप है, तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, ना ही वरदान मांग रहे हैं,
कर रहे हैं, न ही स्वागत सत्कार, इसकी पुष्टि मानस ने भी की। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। केवल प्रभु को देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो कहना पड़ा क्या? कि निरखत पथ पथ राय नयन, अर्जरिया जी जो नौगांव से पधारे हैं, आपके माध्यम से 101 पद मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आप इतना अमूल्य समय दे रहे हैं हम लोगों को, ये बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और देखिए एक पुरस्कार और होता है जो आप दे सकते हैं लेकिन कंजूसी कर रहे हैं, वो तालियों का पुरस्कार होता है। बिल्कुल कोई बात नहीं कहना। अब देखिए भगवान राम की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं मनु शत्रु का, तो कहना पड़ा क्या बेटा? ज्योति जी सुनिए, सुने कि निरखत पथ पथ राय नयन, तो बरसों नीर बहाए नयन। कि निरखत पथ पथ राय नयन, बरसों नीर बरसाए नयन। क्या बात? भाव भरे भर आए नयन, भाव भरे भर आए नयन, तो पाके तरस हर साए नयन। जरा हमारी तरफ देखो, चलो देख लो कि एक टक रहे नयन, एक टक रहे नयन, एक टक रहे नयन, जो कमल नयन मिल गए, सुने। एक बार माता जानकी और प्रभु श्री राम आपस में मिल गए, दर्शन हो गए पुष्प वाटिका में, तो देखिए उधर क्या हुआ। चौपाई मिली कि देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न टारे। उधर जब ग्रामवासियों ने देखा प्रभु की तरफ एक टक देखने लगे, और माता जानकी ने जब देखा तो हुआ क्या, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहु पर हरहु निमेषे। तो कहना पड़ा, तो कहना पड़ा बड़े भैया चाय हमको भी दे दी, चाय हमको भी दे दी। कि अपलक रहे निहार नयन, चलो 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 च
नहीं बोल रही हूँ, केवल शब्द सुनिए बिल्कुल। कि अपलक रहे निहार नयन, रघुवर पर बलिहार नयन, मन में करे मनुहार नयन। माता जानकी ने देखा क्या? कि मन में करे मनुहार नयन, तो लज्जा से लाचार नयन। माता जानकी के लज्जा बस वो नेत्र नहीं उठ रहे हैं, वो जब प्रभु श्री राम को देखा तो जो उनके नाना नानी है वो पलकों से भाग गए, तो प्रभु श्री राम और माता जानकी एक दूसरे को देखते ही रह गए। तो कहना पड़ा कि लज्जा से लाचार नयन, भगवान श्री राम को सामने देखा तो एक टक रहे नयन, जो कमल नयन मिल गए। ज्योति जी सुने, अब देखिए जब बारात आई तो दो जोड़े देख लिए हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को। अब देखिए दूसरा जोड़ा देखा जो भरत शत्रुघ्न का, वो भी वैसा ही है। उधर भी मानस ने इशारा किया है, आइए सुनिए। कि चित्तवत चित्त चकोर नयन, कहने लगे कि चित्तवत चित्त चकोर नयन, छवि निरखत चहु और नयन, मन मोहे मन मोर नयन, ये में भरते हिलो नयन। परिपूरत विश्वास नयन, तरस परस प्रति
श्रद्धा समर्पण भक्तों के द्वारा क्या मिल सकता है? सच्चे दरबार की जय। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटे? एक गीत और बहुत बढ़िया। कौन सा? कौन सा बेटे? बहुत बढ़िया, प्रयास कर रही हूँ दीदी। चाचा जी सुनिएगा, सुनिएगा चाचा जी, कि जब वो मिले मुझे पहली बार, शक्ति लगी, शक्ति बाण लगा, तो देखिए भगवान लक्ष्मण जी का सर अपनी गोद में लिए हुए हैं और रो रहे हैं। कैसे? कैसे बड़े? तो कहना पड़ा क्या? क्या मूर्छित कुंवर कमल
सुधरोगे नहीं। क्या मोरे क्षेत्र कुंवर कमल तो कमल नैन रो पड़े हनुमान जैसे भी क्या मुरझाए हर कमल मुरझाए हर कमल क्या मुरझाए हर कमल तो कमल नैन रो पड़े शरद ससी अहिर भामिनी क्या बात है बेटे शाबाश प्रभु ने सरोवर के कमल से पूछा क्या सरोवर के कमल से प्रभु ने पूछा क्या पूछा बेटे क्या पूछा अरे तुमसे कहूं एक बात कमल सरोवर के कमल से वाह क्या तुमसे कहूं एक बात कमल और हुआ है वज्राघात कमल अरे कमल की खोई कमल नैनी वाह कमल अरे कमल की खोई कमल नैनी कुछ तो बताओ देखा है वाह लेकिन कमल चुप है वाह के चुप है मगर कमल के चुप है मगर कमल के चुप है मगर कमल तो कमल नैन रो पड़े सरोवर का कमल तो चुपचाप है मौन है लेकिन जो भगवान श्री रामचंद्र जी है वाह अरे मूर्छित कुंवर कमल तो कमल नैन रो पड़े और जब भगवान जटायु से मिले तो तब जटायु कहने लगा प्रभु कि वार किए कई बार कमल कहा प्रभु मैंने रावण पर कि वार किए कई बार कमल किंतु गया मैं हार कमल मैंने कई बार उसको रावण को मैंने मारा क्या बात है बड़े लेकिन मैं उससे जीत नहीं पाया ना बेटे ना और छोड़ा सका ना कमलिनी को पंख दिया ये वार कमलिनी यानी माता जानकी को मैं छुड़ा ना सका और उसी में मैंने एक अपना पंख वार दिया जे जे। मेरा एक पंख कट गया प्रभु और प्रभु ने जब उसके सर पर कर फेरा कमल जटायु के सर पर जिस समय अपना कर फेरा अरे फेरे जो कर कमल तो कमल नैन रो
सारे साज कमल आप मेरी स्कूटिया में आ गए तो सज गए सारे साज कमल मंगल है सरताज कमल ये बात बेटे ये बात अरे कुटी में आए आज कमल चरण कमल रघुराज कमल और इतना कहते कहते ही सबरी के प्राण विलीन हो गए शरीर से निकल गए बिल्कुल तो कहना पड़ा क्या कि जड़वत आधार कमल दरबार की जय।